Now the question is, suppose sphere A and B have identical size and same charge, and the third sphere of same size but uncharged brought in contact with the first, then brought in contact with the second, and finally removed from the both. What is the new force of repulsion between sphere A and B? अब इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि हमारे पास दो आइडेंटिकल स्पेयर्स हैं और उनमें सेम अमाउंट ऑफ चार्ज है, दैट इज़ क्यू एंड क्यू. इनके बीच का सेपरेशन है लेट से आर. तो इनके बीच में एक फोर्स ऑफ रिपल्शन होगा और उस फोर्स की वैल्यू होगी एफ इज़ इक्वल टू 1/4πε0 इंटू क्यू स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर. ये है इनके बीच का फोर्स एट प्रेजेंट. अब सिचुएशन क्या है, ये स्पेयर ए है, ये स्पेयर बी है. अब हम क्या करेंगे, एक अनचार्ज स्पेयर सी ए के पास लाएंगे. तो अगर हमने एक दूसरा स्पेयर इसके पास लाया सी जो कि अनचार्ज है, तो ये ए और सी में चार्ज रिडिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे और इसमें फिर रहेगा क्यू बाई टू और इसमें भी हो जाएगा क्यू बाई टू. अब इसमें चार्ज कम हो गया. अब इस सी स्पेयर जिसमें चार्ज क्यू बाई टू है, इसको वापस हम बी के पास ले आएंगे. अभी इसमें क्यू बाई टू है तो इसको मैं यहाँ से भी हटा रहा हूँ. अब इसको हम यहाँ बी के पास अगर लाएंगे, ये क्यू बाई टू है, सी स्पेयर है. अब क्या होगा, फिर से चार्ज रिडिस्ट्रीब्यूट होंगे और इक्वली दोनों को चार्ज मिलेंगे. तो टोटल चार्ज अभी कितना हो रहा है, देखिए दिस इज़ क्यू एंड दिस इज़ क्यू बाई टू, दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हुआ टोटल, टोटल हो जाएगा 3q/2. तो इसका मतलब टोटल 3q/2 है, उसका हाफ हाफ मिलेगा तो इसको मिलेगा 3q/4 और ये हो जाएगा 3q/4. अब फिर से रिडिस्ट्रीब्यूट हो गए हैं चार्ज. अब इस कंडीशन में हम सी स्पेयर को हटा देते हैं, तो सी को हम यहाँ से रिमूव करते हैं. अब इस कंडीशन में जब नया चार्ज आ गया ए और बी में, अब आपको बताना है कि जो इसमें होगा नया फोर्स वो कितना होगा, क्या वो जितना पहले लग रहा था उतना ही फोर्स होगा या चेंज हो जाएगा. तो अब देखते हैं न्यू फोर्स, दैट इज़ एफ डैश. इसको एफ डैश से रिप्रेजेंट करते हैं, ये हुआ 1/4πε0 क्यू वन. स्पेयर ए में कितना चार्ज है, दैट इज़ क्यू अपॉन टू. इसमें बी में कितना चार्ज है, 3q/4 डिवाइडेड बाय आर. सेपरेशन तो उतना ही है, उसमें कोई चेंजेस नहीं है, आर स्क्वायर. अब इसको इस तरीके से हम लिख सकते हैं एफ डैश इज इक्वल टू 1/4πε0. देखिए इसमें 2 और 4 मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा और ये 3/8 हो जाएगा. तो हम इसको अलग लिख लेते हैं, क्यू स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर और 3/8. नाउ ये क्या है, इस इक्वेशन से देखिए, इसके जगह हम लिख सकते हैं एफ. तो एफ डैश इज इक्वल टू 3/8 एफ. तो जो नया फोर्स है वो पुराने फोर्स का 3/8 टाइम्स यानी रिड्यूस हो गया.